नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जिज्ञासा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और आज हम सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मित्रों आते हैं जो कि एक ही मान पर निर्भर करते हैं। एक मान बढ़ जाने से दूसरा मान स्वतः ही बढ़ जाता है, और एक मान घट जाने से दूसरा मान स्वतः ही घट जाता है। ऐसी छह आकृतियां होती हैं जो एक ही मान पर निर्भर करती हैं। तो देखते हैं कौन सी छह आकृतियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो समबाहु त्रिभुज है। सम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सम मतलब समान, बाहु में भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान होती हैं, उसी को हम सब क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। दूसरा होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग वर्ग यह चतुर्भुज होता है। यह ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और तीसरा हमारा होता है सम चतुर्भुज। कौन होता है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि यहां पर प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन यहां पर कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, यहां पर कोई भी कोण क्या होगा? 90 अंश का नहीं होगा, इसे सम चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद चौथा जो होता है हमारा होता है घन। क्या होता है? घन। ठीक, घन होता है यहां पर, यह घन है आपका, घन है। यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होंगी। और पांचवा जो होता है आपका वृत्त होता है, वृत्त। और जो छठा है वह होता है गोला, स्फेयर। छठा का क्या होता है? गोला होता है, स्फीयर होता है। दोनों में अंतर यह है कि टू डायमेंशन आकृति होती है वृत्त, और जो गोला होता है वो क्या होता है? थ्री डायमेंशन आकृति होती है। क्लियर आप लोग? तो ये छह की छह आकृतियां ऐसी होती हैं जो एक ही मान पर निर्भर करते हैं। एक मान बढ़ जाने से दूसरा मान मतलब चौड़ाई सी है, तो दूसरा मान भी स्वतः ही बढ़ जाता है। अगर एक मान घटेगा तो दूसरा मान भी घट जाएगा। यदि लंबाई में परिवर्तन होगी तो चौड़ाई में उतने का ही परिवर्तन होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक मात्र है, तो यहां पे कंसंट्रेट करिएगा। तो अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। वृत्त की जो लंबाई होगी वह उसकी चौड़ाई का भी कार्य करेगा। मान लिया कि उसकी त्रिज्या 100% है, तो दूसरा भी मान कितना होगा? 100 होगा। देन 100 × 100 बराबर 10,000। ठीक है, और देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहे हैं त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। प्रतिशत में कोई भी मान बढ़ता है तो 100 पर 20% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 120। तो दूसरा मान में भी वही परिवर्तन होगा, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा? 120 ही होगा। तो 2 0 है, 12 में 144, यह कितना है? 10,000। और अब कितना हो गया? 14,400। बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 4,400। 4,400 जो अधिक है वो किससे अधिक है? 10,000 से। और जो वास्तविक मान होता है, चूंकि आप जानते हैं उसे नीचे दर्शाया जाता है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 0 2 0 से कैंसिल, ये 2 0 2 0 से। तो आपका जो क्षेत्रफल है वह 44% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात आपके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से
नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी वर्ग की घटाने के संदर्भ में, किसी वर्ग की एक भुजा को 10% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का 2 होता है, अर्थात जो वर्ग की लंबाई होगी वही उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। मान लिया कि वर्ग की लंबाई अभी कितनी है, 100% है, और चौड़ाई भी कितनी है, 100% है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 × 100 = 10,000। वर्ग भी एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाइयां समान होती हैं, यह भी एक ही मान पर निर्भर करता है, एक मान बढ़ने से दूसरा मान स्वतः ही बढ़ जाता है और एक मान घट जाने से दूसरा मान स्वतः ही उतना ही घट जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि लंबाई को हमने क्या किया, एक भुजा को 10% घटा दिया तो कितना हो गया, 90, तो दूसरा भी उतना ही घट जाएगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो इस प्रकार से 90 × 90 = 8100 हो गया, कितना कम हो गया, 1900। किससे कम है, 10,000 से, 1900 / 10,000। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100, 2020 से कैंसिल हो जाएगा ये 2020 से, अर्थात कहने का मीन्स यह है कि 19% की कमी हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, 19% घट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आकृतियां मित्रों ऐसी होती हैं। हम कह रहे हैं कि जहां पर वर्ग दिया है वहां पर वृत्त कह दे, जहां वर्ग दिया है वहां गोला भी कह सकता है, समचतुर्भुज कह दे, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। एक 6 आकृतियां ऐसी होती हैं जो एक ही मान पर निर्भर करती हैं, एक मान बढ़ जाने से दूसरा मान भी उतना ही बढ़ जाता है और एक मान घट जाने से दूसरा मान क्या होता है, उतना ही घट जाता है। कहने का मीन्स आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत में यदि इन 6 आकृतियों पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक को जितना परसेंट आप बढ़ाएंगे दूसरा भी मान उतना ही प्रतिशत बढ़ जाएगा, और एक मान जितना घटेगा दूसरा भी मान उतना ही प्रतिशत क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसी फिगर पे एक और क्वेश्चन आता है मित्रों, जो आपके कंपटीशन में अगर ये नहीं देता है तो टेट सुपर टेट या अन्य वनडे एग्जाम में किस प्रकार से पूछ देता है, इरेज करके उस क्वेश्चन के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस पे जो है से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है, कभी परसेंटेज करके पूछता है तो कभी ये कह देता है वर्ग की एक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। ठीक, जैसे किसी वर्ग की एक भुजा भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी परसेंटेज में करके पूछ देता है इन आकृतियों पे, कभी गुना के टर्म में आता है। अब आप जानते हैं वर्ग क्या है, आप आज देख रहे हैं कि फिगर में यही वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90° का होता है और इसमें 2 विकर्ण होते हैं और दो के दोनों विकर्णों की लंबाइयां परस्पर समान या बराबर होती है। तो यदि हम कहें कि वर्ग की
एक भुजा यक्ष है और दूसरी भुजा भी कितनी है, यक्ष ही होगी क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा घाते दो या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जो इसकी लंबाई है वह उसकी चौड़ाई है, तो यक्ष गुणे एक्स बराबर कितना होगा यक्ष स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा को तीन गुना कर दिया जाए, पहले कितना था यक्ष था, अब कितना हो जाएगा 3x, और यह भी कितना हो जाएगा 3x, अब क्षेत्रफल कितना होगा 3x गुणे 3x, 3 त्रिका 9x स्क्वायर। आप देख रहे हैं पहले कितना था x स्क्वायर था, लेकिन अब कितना हो गया 9x स्क्वायर, अर्थात कितना गुना बढ़ गया 9 गुना बढ़ गया, कितना गुना 9 गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी वर्ग की भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना गुना की वृद्धि होगी, तो जितना कहा जाए उसी का उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, 5 गुना कर रहे हैं 5 × 25 गुना हो जाएगा। यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा को यदि हम 6 गुना बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 6×6 = 36 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर आप किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को 2 गुना करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2×2 = 4 गुना, बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि मान लीजिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना है, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं अब यही है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, लेकिन अब देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए, तब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, इस अकॉर्डिंग तो आपका क्या होगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा पाई इंटू 2r इंटू 2r, 2×2 = 4, अर्थात पाई इंटू 4r स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर, और अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 4πr स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कितना अधिक हो गया 4 गुना, यहाँ 1πr स्क्वायर है, यहाँ कितना हो रहा है 4πr स्क्वायर, तो आपके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है 4 गुना की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, कभी भी कह दिया जाए कि इस भुजा को इतना गुना बढ़ा दिया जाए, वो भी किसमें, इन 6 आकृतियों में, किसमें, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज, घन, वृत्त और गोले में ऐसा होगा, क्योंकि ये एक ही मान पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जब आपसे यह कह दिया जाए कि इस भुजा को इतना गुना करते हैं तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो उस संख्या का जितना गुना आप कर रहे हैं उसका पुनः उस संख्या से गुणा कर दीजिए तो आपका क्षेत्रफल उतना गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में ही भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 12% की कमी कर दी जाए तो वह भिन्न जो है 15/64 हो जाती है, तो वह भिन्न कौन सी होगी, तो उसका मान कितना प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है। ठीक है, कम कर देने पर कितना प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न कौन सी है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, काफी बच्चों का मानना है कि सर जी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, जब नेक्स्ट वीडियो में हम सब आएंगे तो उसमें जो भी बातें अधूरी हैं जैसे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहां पर हम आप सब एक एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि कौन सी
घटना किन कारणों से होती है, संख्या के भेद कितने हैं, उस पर हम सब चर्चा करेंगे वहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर देने, अंश में 10% की वृद्धि कर देने तथा उसके हर में 12% की कमी कर देने पर हमें 15/64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने मान लिया कि वह भिन्न क्या है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। मान लिया कि भिन्न क्या है, भिन्न बराबर x अपॉन y, जिसमें अंश x है और हर कितना है, y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने और हर में 12% की कमी करने। तो उसके आधार पर प्रश्नानुसार अगर हम देखें, तो प्रश्नानुसार अगर हम डिस्कस करते हैं, तो भिन्न हमारी x बटे y है, तो उसमें अंश में 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110% हो जाएगा, और हर में 12% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88%, ठीक है, बराबर यही कितना प्राप्त होता है, 15/64 की, कितना प्राप्त होता है, 15/64 से। अब यहां पर देख रहे हैं आप प्रतिशत दोनों जगह पर, तो प्रतिशत बढ़ाएंगे बटे 100 लिखेंगे तो वैसे ही हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं x अपॉन y बराबर x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 88 इक्वल 15 अपॉन 64। तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यह मान कहां चला जाएगा, ऊपर, और यह कहां चला जाएगा, नीचे। तो देन क्या होगा, x अपॉन y बराबर 88 × 15/110 × 64 के, ठीक है। तो 11 + 11 = 88, ठीक है, 8 + 8 = 64, ठीक है, 5 × 10 और 5 × 15, इस प्रकार से आप देख रहे हैं 3/8 × 16। तो वह भिन्न क्या है, 3/16 है, जिसके अंश में हमने क्या किया, 10% की वृद्धि कर दिया, तो वह भिन्न क्या हो गई, x का 110% निकाल दिया, और हर में 12% की कमी करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में कोई भी मान कम भी होगा कितने पर, 100 पर, तो जब 12% कम कर दिया कितना हो गया, 88 हो गया। तो हम देखते क्या है, x का 110% और y का 88% बराबर कितना प्राप्त होता है, 15/64 के, ठीक है, और बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो हमारा 88 ऊपर चला गया और 110 नीचे चला आया। तो 11 × 10 = 88, 8 × 64 और 5 × 10 और 5 × 15, तो 3 + 3 = 8 × 16। तो कहने का मीन्स वह भिन्न हमारी क्या होगी, 13/16 होगी, क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अन्य क्वेश्चंस को, आपको समझ में आओगे, बहुत धन्यवाद आपको।